जी अली भाई, आज आपको मैं इधर लेके आया हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये हज़रत भाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, तो यहाँ पर आपको अंदर भी एक ये है, एक दूसरे हैं जिनका वो है ना मज़ार, जो उनका नाम है शाहरुख ने आलम, और एक इसी तरह और भी मुल्तान में है जो शाह शम्स के नाम से है। सही सही। ये आपको यहाँ पर मैं पहले तो ये बताऊँ कि ये जो इनकी खसूसियत है, इस कुआँ, ये आप नीचे इस तरफ दिखाएँगे तो आपको पता चलेगा ये कुआँ है। इस कुएँ की जो ये जो ये देख रहे हैं आप, इससे जो है ना पानी खींचते थे किसी ज़माने में। अब तो ये खुश्क है, यहाँ पर लोग अकीदतमंद आते हैं, तो उन अकीदतमंदों ने जो है ना यहाँ पैसे फेंके हुए हैं, और ये औकाफ़ के तहत है। यहाँ के गद्दी नशीन भी मौजूद हैं जो है ना इनका इंतज़ाम होता है। तो इस कुएँ की जो कुछ तफसील है वो यहाँ पर आप ज़रा कैमरा करेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़रा करीब लें, फोकस करें। ये कुआँ बाकिर खान, जिसको शहनशाह जहांगीर ने 1038 हिजरी में मुल्तान और बाद में आगरा और औध का सूबेदार गवर्नर मुकर किया, जो दौरे शाहजहाँ में गुजरात और इलाहाबाद का सूबादार भी रहा, ने शहनशाह जहांगीर की हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की अकीदत और लोगों के इस्तेमाल के लिए तमीर कराया। यानी खुलासा यह है कि ये शहनशाह जहांगीर जो थे उस वक़्त मुग़ल बादशाह, उनकी अकीदत में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की अकीदत में उन्होंने ये बनवाया था। तो ये साला साल चलता रहा, उसके बाद ही खुश हो गया, अब दौर भी बदल गया। ये उनका मज़ार है, आप सामने ज़रा थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको मज़ार भी दिखाई। ये बात जहन नशीन रहे कि जो है ना बुज़ुर्ग जो होते हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते, आप उनके इसाले सवाब के लिए पढ़ सकते हैं, उनके वसीले से, अल्लाह ताला से आप ज़रूर इनसे, अल्लाह ताला से कि ये बुज़ुर्गों के वसीले से, हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के वसीले से, ऐसे बुज़ुर्गों के वसीले से हमारे जो है मुश्किल को दूर कर। लेकिन ये बुज़ुर्ग बताते ख़ुद कोई फ़ायदा नहीं देते, बल्कि हम इनके लिए फातिहा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इनके दर्जात बुलंद करेंगे। ये आप इस तरफ देखेंगे, ये इनका बोर्ड के जो है ना तारुफ़ के लिए लगा हुआ है, आप ज़रा इस तरफ कैमरा करेंगे, देखेंगे। आइए आप अंदर से। आज से आप ये कह लें कि आप 1441 में वो भी तकरीबन जो है ना 500 साल तकरीबन हो चुके हैं। उस वक्त की डिज़ाइन है जब होता था, और यहाँ से कजाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक जाता था। तो ये जो आप इसमें टाइलों में नक्श देख रहे हैं, करीब से कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नक्श आप देख रहे हैं, ये इस तरह की नुमाइश, और वो ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये आज भी अगर आप चले जाएं ऊपर, वो उसको भी दिखा दें थोड़ा सा। आज भी जो है ना आपको यहाँ मुल्तान में जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर भी ये मिलेगा, और इसके अलावा यानी तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, वहाँ का डिज़ाइन वहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये एक ही लिंक था। तो सही सही सही, रास्ता जाता था बहुत पहले, तो ये एक ही जो है ना तहजीब पे इलाके, ये हज़रत की कब्र पे मौजूद है, यहाँ पर फातिहा पानी कर लेते हैं, इधर लेते हैं। तो जी अली भाई, आपको इसमें एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं ये बता दूँ
कि ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर यहाँ पर मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल, जो बहुत पहले जो है वो मुल्तान यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया गया कि ये बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि इनकी जो है वो शख्सियत है एक पर्सनलिटी है, उस नाम से इनको फिर मशहूर उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा इनके नाम पे। तो बहुत दिन तक ये यूनिवर्सिटी मुल्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कभी इंशाल्लाह आपको उधर का भी विज़िट करवाएंगे। आपको इसी दरबार में मौजूद हैं, उसका अहाता है। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये चीज़, लोग यहाँ पर आके ये दिया जलाते हैं और इसके अंदर जो ऑयल है, तो यहाँ पर कुछ ये देखें आपके सामने मैं उठाया ये एक नोट है, तो फोकस करें शायद आपको नज़र आ रहा होगा 10 रुपये का नोट। तो ये लोग आते हैं यहाँ पर कुछ अकीदत के तौर पर पैसे रखते हैं, उस तरफ भी कुछ नोट पड़े हुए हैं, और तो यहाँ पर इसको यानी अपने सआदतमंदी और बरकत के तौर पर इसको अपने सरों पे भी लगाते हैं और इसको देते हैं, ये यहाँ जाके अकीदतमंद हो गया। लेकिन ये इस्लाम के बिल्कुल जो है ना मुताबकत नहीं रखता, इस्लाम इस चीज़ की कोई दावत नहीं देता, ये गैर इस्लामी अमल है जो अकीदतमंद जो है वो बना लेते हैं। दिखाएंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ हैं जो हम इन कबूतरों को डालने वाले हैं, ये एक सवाब का काम है। तो यहाँ पर एक रीत है, एक रिवायत है कि यहाँ इन परिंदों को डालते हैं, तो ये अब हमने लिया। वैसे तो शादियों में इंसानों के लिए यहाँ पर पाबंदी है, यहाँ पर वन डिश ही रख सकते हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई नहीं है। देखें आप 5-6 मल्टी डिश डालेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा। आप जब आएँ तो आप भी ज़रूर इस तरह की काम करें। भाई आपको ये मैं बताऊं कि ये जो पुराने मुल्तान के दरबार जिसमें अभी हम होकर आए हैं, शुरू में कैसे थी ये बिल्डिंग, पढ़ के आ गए हैं, कुछ हमने विंडों को दाना वगैरह भी डाला और दीगर चीज़ें रिवायत जो चल रही हैं वो भी देखी हैं। तो टाइम बहुत हो गया, फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपको किसी और बुजुर्ग की भी यहाँ पर जो है ना वो मज़ार मौजूद है, वहाँ पर आपको उधर ले जाएंगे।